जब घर पर चाट मसाला बनाना एकदम ही सिंपल है तो मार्केट का रेडीमेड चाट मसाला क्यों खरीदे। तो इस चाट मसाला को बनाने के लिए पहले हमें चाहिए साबुत धनिया यानी कि कोरिएंडर सीड्स। तो मैंने 3 बड़ी चम्मच साबुत धनिया का इस्तेमाल किया हुआ है और इसको हम किसी भी एक पैन में ट्रांसफर करेंगे। अब इसी के साथ इसमें जाएगा 2 बड़ी चम्मच क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। अब हमें इन दोनों को तब तक सेकना है जब तक इसमें से एक बहुत ही बढ़िया सी खुशबू नहीं आने लगती। तो इसको अच्छे से सेकने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लग सकती है। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको स्लो फ्लेम पर ही सेकना है ताकि ये कहीं पर जल ना जाए। यदि आप इसको हाई फ्लेम पर सेकने जाओगे और ये कहीं से जल जाएगा तो फिर जो आपके मसाले का टेस्ट है वो उतना अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए हमेशा इसको स्लो फ्लेम पर ही सेके। बीच बीच में आप इसको चलाते भी रहेगा ताकि ये कहीं पर जल ना जाए। आज तो हम ये घर पर चाट मसाला बना रहे हैं, लेकिन आपको और कौन से मसाले की रेसिपीज देखनी है ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा ताकि मैं आपके साथ वो सारी रेसिपीज जल्द से जल्द शेयर कर सकूँ। चलिए इसको सिके हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुकी है, तब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ी चम्मच काले मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर। अगर आपको इस चाट मसाले को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना हो तो आप इसमें और काले मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ इसमें जाएगा 1 बड़ी चम्मच सौंफ यानी कि फेनल सीड्स। और फिर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 4 से 5 लाल मिर्च। ये मैंने तीखी वाली लाल मिर्च का इस्तेमाल किया हुआ है। आप चाहो तो इसकी जगह पर जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हो कि ये जो मिर्च के बीज होते हैं उसका आप साइड पर निकाल लीजिए ताकि ये जो मिर्च है उतनी तीखी ना लगे। अब इनको भी हम स्लो फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट के लिए और सेकेंगे। इस चाट मसाले को बनने में बहुत ही कम समय लगता है, मुश्किल से 7 या 8 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाता है। और इस चाट मसाले को आप काफ़ी महीनों तक स्टोर करके रख सकते हो। इन खड़े मसालों को हम इसलिए सेक रहे हैं ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर है वो चला जाए, और ऐसा करने से हमें इसे ग्राइंड करने में भी काफ़ी आसानी होगी और ये जो मसाले की शेल्फ लाइफ है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगी। चलिए अब ये जो खड़े मसाले ये अच्छे से सेक चुके हैं और अब इसमें से काफ़ी बढ़िया सी खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। तब आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर लीजिए और इन सारे खड़े मसालों को हमें पूरी तरीके से ठंडा होने देना है। तो ये मसाले फटाफट से ठंडे हो जाए इसीलिए मैं इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। और जब ये पूरी तरीके से ठंडे हो जाए उसके बाद आप इसे एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करिए और फिर उसको ग्राइंड करके हमें इसका एक पाउडर बनाकर रेडी करना है। चलिए जिसके आप देख पा रहे हो कि जो पाउडर ये बनकर रेडी हो चुका है, तब हम इसमें कुछ और मसाला ऐड करेंगे। तो पहले इसमें जाएगा 1/4 छोटी चम्मच हींग यानी कि एसाफोटिडा, 1 बड़ी चम्मच आमचूर पाउडर यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर, 1 छोटी चम्मच सॉल्ट यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर और 1 छोटी चम्मच आंवला का पाउडर। आज से मैंने रेडीमेड आंवला का पाउडर यूज़ किया हुआ है, लेकिन अगर आपको ये जानना हो कि इसको घर पर कैसे बनाया जाता है तो आप मुझे कमेंट्स में सरल लिखकर बताइएगा, मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच नमक और 2 छोटी चम्मच काला नमक, और बस फिर इन सभी चीज़ों को हम वापस एक बार ग्राइंड करेंगे। ले लीजिए, हमारा एकदम ही टेस्टी और चटपटा चाट मसाला बनकर रेडी हो चुका है। ये बनाने में भी काफ़ी आसान है और इसको बनने में भी काफ़ी कम समय लगता है। तो अगली बार से आप भी घर पर ही चाट मसाला बनाइएगा। तो कैसी लगी आपको ये चाट मसाले की रेसिपी, और आपको और कौन से मसाले की रेसिपीज देखनी है ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइए।